नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पर देख रहे हैं अफीम की शानदार फसल। किसान साथियों, ये वीडियो हमने एक मित्र के खेत पर शूट किया है जिनकी अफीम की फसल बहुत शानदार है। मैंने खुद ये वीडियो शूट किया है, चाहे वीडियो में वो क्वालिटी दिखे ना दिखे, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि उनके खेत में एक नाम मात्र का भी रोग नहीं है, किसी प्रकार की कोई फंगस का अटैक नहीं है। केवल किसी किसी पौधे में जो नीचे की पत्ती है वो पीली पड़ रही हैं, तो उसका पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो उम्र के हिसाब से उस पत्ती का पीला पड़ना स्वाभाविक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है इस संबंध में। तो उन किसान भाई ने इसमें अभी तक क्या डाला है, यही आज हम वीडियो में शेयर करेंगे किसान अन्य किसान साथियों के साथ। किसान साथियों, मैंने आपसे निवेदन किया था कि यदि आप भी अपनी अफीम की फसल में कोई नया प्रयोग करें और उसका यदि रिजल्ट शानदार है तो आप भी उसे यूट्यूब के माध्यम से बताएं, लेकिन किसान साथियों को गलत जानकारी न दें, क्योंकि उनसे खर्चा भी बढ़ सकता है, उनकी फसल भी खराब हो सकती है। तो किसान किसान भाई भाई हैं, तो सही जानकारी ही शेयर करें। वो प्रयोग करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और किसी भी प्रकार की दवाई का छिड़काव करने से पहले एक बार कृषि वैज्ञानिक से जरूर संपर्क कर लें। तो किसान साथियों, मैं बताता हूँ कि इन किसान साथी ने अभी तक दो स्प्रे किए हैं। पहला स्प्रे इन्होंने जो कार्बन डाइजाइन और प्लस मेन को जब आता है UPL कंपनी का साफ में जो कॉन्टेंट है उसी का उन्होंने प्रयोग किया है। कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का नाम आपको मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि उसका ये प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। फिर एक महीने की फसल में इन्होंने पहला स्प्रे किया, उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद इन्होंने दूसरा जो स्प्रे किया है उनमें उन्होंने दो टेक्निकल लिए हैं। एक लिया है एंट्रोकॉल जो कि बायर कंपनी का आता है, और एक लिया है रिडोमेन गोल्ड जो कि सिजेंटा कंपनी का आता है। क्योंकि कंपनी का नाम तो मैंने आपको बता दिया है फिर, लेकिन यदि आप चाहें तो ये टेक्निकल अपनी विश्वास पात्र कंपनी के भी ले सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों मैं भी हमेशा इन्हीं कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं अपनी खेती में यूज़ करता हूं और मुझे भी उसका शानदार रिजल्ट मिलता है। देख तो लीजिए एक बार आप, ये फसल बहुत शानदार दिख रही है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, ज़मीन में इन्होंने अभी तक कोई फंगस का डोज नहीं दिया है। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे इसमें वो दिखी कि इनके जो क्यारियों का जो ढलान है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि न तो उसमें ज़्यादा देर तक पानी ठहरता है और न ही ज़्यादा तेज़ी से एकदम बह के चला जाता है। साथ ही साथ खेत भी समतल हैं, और हमेशा देसी दवाइयों मतलब कि जैविक प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये, और रासायनिक का कम करते हैं, ज़रूरत हो तभी स्प्रे करते हैं, अनाप शनाप दवाइयों का स्प्रे नहीं करते हैं। मैंने इन्हें कैमरे पे आके बोलने को कहा, लेकिन ये कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। किसान साथियों, मैं नाम भी बताना चाह रहा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो मैं फिर नहीं कर सकता। तो किसान साथियों, आप भी देख सकते हैं कि फसल कितने शानदार हैं, खुद मेरी फसल भी ऐसी नहीं किसान साथियों, क्योंकि मैं तो अपने अनुभव को शेयर करता हूँ। और आज एक अन्य किसान मित्र ने किसान हित में अपने अनुभव शेयर करने का मुझे जरिया बनाया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको भी कोई जानकारी है अपनी अफीम की फसल से संबंधित, तो आप भी वीडियो बनाकर शेयर करें, या यदि आपको शेयर करने में कोई परेशानी आ रही है, आपको उस प्रोडक्ट का अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे हमारे चैनल के, तो वहाँ हमारा ईमेल लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप वो फाइल यदि भेजते हैं और आप चाहे तो उस आपका नाम पता सब कुछ बता सकते हैं, और नहीं बताना चाहे तो प्रोडक्ट बता सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, मैं यही कहूँगा कि किसान भाई को गलत जानकारी ना दें, क्योंकि बहुत ही रिस्क की फसल है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एक तरह से हमारी नाक है कि हम जिस किसान का पट्टा बच जाता है तो समझो कि उसे खेती करने का तरीका पता है, चाहे दोष किसी का भी हो, क्योंकि जो मार्जिन का प्रतिशत निकल रहा है ये तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से निकल रहा है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई है, और ये किसान भाई
आगे इनकी फसल कैसी रहती है इसका वीडियो भी हमें शेयर करेंगे, और मैं खुद जाके इन पे यहाँ पे जाके वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि ये हमारे गांव के पास में ही है। तो यदि समय मिला तो मैं वहाँ पे अवश्य जाऊँगा और वीडियो शूट करके आपको आगे की स्थिति भी बताऊँगा इनकी, और मेरी फसल की स्थिति आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसान मित्रों के तो में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में, एक नए वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, आपकी फसलें स्वस्थ रहें, इसी में कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।